गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है बृहस्पतिवार और अभी जस्ट मैं उठा हूँ और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हो? ठीक हो? तो गाइस, ब्रश तो कर लिए, अभी नहाता हूँ जल्दी से। तो अभी गाइस नहा धो लिया है और ऑफिस के लिए तैयार भी हो चुका हूँ मैं। देन निकलते हैं अभी फटाफट। चलो जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। हाँ, घर से निकल गया। तो अभी गाइस, कल प्रॉमिस किया था कि टाइम पे पहुँचूंगा, आज फिर से लेट हूँ। आज फिर से 10-15 मिनट और लेट हूँ, क्योंकि उठाई सुबह में लेट, हालांकि टाइम पे तो उठ गया था, बट क्या कि उस वजह से मैं जल्दी उठने की वजह से जल्दी मैं सोचता हूँ उठ जाऊँगा ये 5-2 मिनट है, बट उठ नहीं पाता। सुबह की तो नींद होती है ना, वो तो सबसे बेस्ट होती है, बट उसमें ही क्या है, हमें अपने आप को अपनी जो नींद है ना उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। देन हम जैसे अलार्म हमने लगाया 5:30 बजे का, वो बज रहा है, देन बजते बजते क्या होता है कि हम उठ नहीं पाते। हम कह रहे चलो 5 मिनट की बात कर लेंगे, 2 मिनट की बात कर लेंगे, बट वो फिर जैसे ही हमने वो बंद किया फिर से वो बजता है, वो उसके बाद क्या होता है फिर से नींद आती है। तो ऐसे ही नींद आती है, तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा करो जैसे अलार्म बजा तो तुरंत उठ जाओ, वरना फिर बाद में तो नींद ही नींद है। तो गाइस, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, अलार्म लगा के भी मैं टाइम से नहीं उठ पाता, पता नहीं क्यों। और इसी वजह से मैं हमेशा होता हूँ लेट ऑफिस के लिए, क्योंकि अलार्म मेरा लगा रहता है, उठने बाद उस वजह से मैं लेट होता हूँ हमेशा। तो अभी गाइस पहुँच गया हूँ मैं भी, और आप लोगों से बात करूँगा मैं शाम के 4 बजे समथिंग। तो गाइस जुड़ते हैं शाम को 4 बजे, बाय। तो अभी गाइस निकल गया हूँ ऑफिस से, और एकदम ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, गर्म हवा है, ठंडी हवा नहीं है ये। अभी धूप खिल रही है, बहुत तेज़ धूप है। तो गाइस अभी सामान भी आज रूम के लिए कुछ भी नहीं लेके जाना, तो अभी चलते सीधा रूम पे। सारुल मेरा वेट कर रहा आगे, वो पहले निकल गया था, मैंने बोला था कि रुक जाइए। सारुल मेरा दोस्त है, जो आपने एक बहुत पहले ब्लॉग में देखा था उसको, सैटरडे वाले ब्लॉग में, तो वो वेट कर रहा है, मैं उसके साथ अभी जाऊँगा सीधा रूम के लिए। वो देखो सामने खड़ा है, वो गार्ड के आगे खड़ा है। वो वेट वैसे करता नहीं है, पर पता नहीं आज कैसे कर रहा है, समझ नहीं आ रही। रुका है भाई, वो आज बंदा वो चला जाता है। तो भाई ये रहा सारुल, आज तूने वेट कैसे कर लिया भाई? हाँ, और दिन तो तू करता ही नहीं, तू पीछे के सामने आना। हाँ, और दिन तो करता ही नहीं है भाई। सारुल आज कैसे रुक गया तू मेरे को? भाई आपसे मिलना था, है कैसे हो? अच्छा, आज मेरे से मिलना था तभी रुक गया था। चल यार, बहुत अच्छा किया। मैं तो भी कहा, सारुल एक अलग रास्ते से लेके आया मेरे को। सारुल कौन सा रास्ता है, दूसरा ही है कोई ना? यहाँ पे गार्डन भी है पूरा, ये देखो पूरा गार्डन, लोग घूम रहे हैं यहाँ पे अच्छे खासे। ये रास्ता भी ठीक है ना वैसे आने जाने के लिए? तो अभी गाइस पहुँच गया हूँ मैं रूम पे, हाथ मुँह धोता हूँ पहले, देन फिर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। तो अभी गाइस मुँह हाथ धो के तो आ चुका हूँ, और पापा भी सो रहे हैं, सारे लोग अभी सो ही रहे हैं। अभी तो 4:30 हुआ है, तो अभी सोने का टाइम है, दोपहर होती है। अभी गर्मियों के दिनों में तो 5, 4:30 बजे तक लोग सोते ही हैं, उसके बाद देन उठते हैं। अभी थोड़ी देर में पापा भी उठ जाएंगे, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ तब तक, फिर देखेंगे अगर कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम होगा तो आज पापा को लेके जाएंगे, अगर पापा नहीं बोलेंगे तो फिर रूम पे ही। पापा, गाँव जाने की तैयारी चल रही है आपकी? हैं, चल रही है तैयारी? गोविंद भाई क्या कह रहा था? जंगो बोल रहा था। हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हमें कुछ पता भी नहीं है। चलेगा तो ठीक ही है ना? आपने शाम में उठाया भी नहीं मेरे को, बनना हम लोग चले जाते हैं गार्डन में। मैं सोच रहा था आपको गार्डन लेके चलते, हम लोग घूम फिर के आते वहाँ। चल रहे थे फिर कल से, अब कल है फ्राइडे, कल देखते हैं फिर अभी, है ना?
आ जाऊँगा ना कल भी मैं सेम टाइम पे, तो आ ही जाऊँगा और फिर चलेंगे तब भी हम। चलोगे? चलने चलते फिर एक दो राउंड लगा के आ जाएंगे। आप भी कमरे में क्या वो करोगे आजकल, जा रहे हो नहीं जा रहे घूमने आप? नहीं जा रहे हो? चले जाएगा रो घूमने। वही तो। और बुआ से बात करी? बुआ से बात करी गाँव में? नहीं करी। कल लगाऊंगा कॉल, अभी तो ये रात के टाइम हो चुका है, अभी तो 9:30 हो चुके हैं। कल लगाऊंगा कल, है ना? कल कॉल करूंगा बुआ से, तब बात करूंगा आपकी। ठीक है, चलो हैं। तो अभी गाइज हो गया डिनर का टाइम और डिनर करता हूँ अभी, देखता हूँ डिनर में क्या बने। पापा जी को पूछता हूँ खा रहे नहीं खा रहे मेरे साथ। पापा खाना खा रहे हो? हाँ ना, अभी नहीं फिर बाद में खाओगे भैया के साथ में? चलो ठीक, कोई नहीं। तो गाइस डिनर करते हैं अभी, देखते हैं डिनर में क्या बनाया। तो गाइस डिनर में है आलू सोया बड़ी की सब्जी और थोड़ा सा अचार है। तो गाइस डिनर करते हैं अभी। तो अभी गाइस डिनर तो हो गया है और अभी चल रही मेरी सोने की तैयारी, क्योंकि फिर कल सुबह जल्दी जाना है ऑफिस के लिए। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।